Assalamualaikum. Good morning, everyone. How are you all? I hope you are fit and fine at your home. Standard 9, subject drawing. Welcome to you all in drawing class. हमारे ड्राइंग के सब्जेक्ट में अभी तक हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे थे. प्रैक्टिकल हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ. लास्ट में हम लोगों ने जियोमेट्रिकल डिज़ाइन ड्रॉ की थी. आज हम देखेंगे थियरी, पेज नंबर 48, टॉपिक 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइंग टूल्स एंड इट्स यूजेस. यहाँ पे हम लोगों को हमारे जो ड्राइंग के टूल्स होते हैं उसके बारे में और उसके यूजेस के बारे में, मतलब उसका यूज़ कैसे किया जाता है, वो चीज़ दी गई है. द राइट टूल्स फॉर सिस्टमेटिक एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड टू कल्टिवेटिव द करस्पॉन्डिंग आर्ट सब्जेक्ट टू इट्स प्रॉपर यूज़. इट्स यूज़ ऑफ द नेसेसरी टूल्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ आर्ट सब्जेक्ट इज़ गिवन हियर. हमें यहाँ पे हमारे जो आर्ट सब्जेक्ट यानी कि जो ड्राइंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उसके बारे में और उसके उसके बारे में दिया है. फर्स्ट है पेंसिल. पेंसिल इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल इन आर्ट सब्जेक्ट. ड्राइंग कैन बी डन विद द यूज़ ऑफ पेंसिल. विद द यूज़ ऑफ इट लाइट एंड शेड कैन बी डिस्प्ले इन द पिक्चर. देर आर टू टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, बी एंड एच. हमारे जो पेंसिल के बारे में यहाँ पे बात कही है तो वो हमारा इम्पोर्टेंट टूल है. विदाउट पेंसिल हम लोग पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमारे आर्ट सब्जेक्ट के लिए पेंसिल इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे दो टाइप्स की पेंसिल होती है, बी और एच. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी पेंसिल आर बी, 2B, 3B, 4B, 5B एंड 6B. जो पेंसिल बी सीरीज़ की होती है उसके अंदर भी बी से लेके 6B तक की सीरीज़ होती है. एज द नंबर इंक्रीजेज द पेंसिल लीड बिकम्स सॉफ्टर एंड डार्कर. जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे पेंसिल सॉफ्ट और डार्क होती जाती है. द इफेक्ट ऑफ शेडो लाइट इज मेन मेड ऑब्जेक्ट और एनी अदर ड्राइंग कैन बी डन बाय यूजिंग पेंसिल ग्रेड फ्रॉम 2B टू 6B रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे जो शेडो यानी मेन मेड पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो हम लोग करते हैं जिसके अंदर हम लोग पेंसिल शेडिंग करते हैं, तो उसके लिए 2B या 6B, 2B टू 6B का यूज़ किया जाता है. देर आर डिफरेंट शेड्स इन एच टाइप पेंसिल्स लाइक 2H, 3H, 4H, 5H एंड 6H. एज द नंबर इंक्रीज पेंसिल बिकम शार्प हार्ड एंड इट्स लाइटनेस इंक्रीज. दिस पेंसिल इज मेनली यूज बाई स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड. यहाँ पे जो एच की बात की गई है कि जो एच टाइप की पेंसिल है 2H से वो भी 6H तक की होती है, और जैसे जैसे ये पेंसिल की सीरीज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो शार्प हार्ड होती है और लाइटनेस होती है. और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं वो इस पेंसिल का यूज़ करते हैं. HP ग्रेड पेंसिल इज़ कंपोज ऑफ बोथ टाइप्स H एंड B. इट इज़ मोर कॉमनली यूज. जो HP ग्रेड की पेंसिल होती है वो दोनों मिश्रण वाली होती है, दोनों मिक्स होती है उसके अंदर H और B, और वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पेंसिल है. विद दिस इंफॉर्मेशन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड विच काइंड ऑफ पेंसिल इज़ टू बी यूज अकॉर्डिंग. सेकेंड वन इरेजर. इफ़ आई ड्राॅइंग इज ड्रॉन एंड इफ एन अनवॉन्टेड शेप इज देर यू कैन इरेज इट विद द हेल्प ऑफ एन इरेजर. यू शुड यूज सॉफ्ट इरेजर सो दैट स्टेन शॉन आर नॉट बीन सीन ऑन द पेपर. इरेजर का यूज़ तो आपको पता ही है, अगर हमारे से कोई लाइन गलत हो गई हो या पिक्चर गलत ड्रॉ हो गया हो तो हम उसको इरेज करने के लिए इरेजर का यूज़ करते हैं. और जो इरेजर होता है उसमें भी बहुत से प्रकार होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उसमें जो नरम इरेजर होता है सॉफ्ट इरेजर, तो उसके वो पेपर पे दाग नहीं होता है जिसकी वजह से वो एकदम उत्तम माना जाता है. लास्ट सेकंड कलर. यूज़ ऑफ वाइब्रेंट कलर इन ड्राइंग मेक्स द पिक्चर लाइवली. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, वाटर कलर्स, ऑयल कलर्स, एक्रेलिक कलर्स, पेस्टल कलर एंड ड्राई पेस्टल कलर्स. कलर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी यूज अप्रोप्रिएटली इन वेरियस प्लेसेस. स्टूडेंट फॉर वाटर कलर शुड यूज पोस्टल कलर्स, ट्यूब कलर्स और केक कलर्स. आफ्टर अप्लाइंग वाटर कलर स्केच पेन कैन बी यूज टू मेक द ड्राॅइंग एट्रेक्टिवली. विदाउट कलर्स कोई भी पिक्चर हम लोग देखेंगे तो वो हमें पसंद नहीं आएगा. कलर पिक्चरों को एक अलग ही मार्क देता है, अलग ही दिखता है. अगर हम कलर अंदर करेंगे तो उससे हमारा पिक्चर पूरा अलग ही उठ के आएगा. तो ये आफ्टर ड्राइंग यू हैव टू फिल इन डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पिक्चर. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स. रंगों को विभिन्न स्थानों पर उचित रूप से
जो कलर्स की बात हुई कि चित्र जो हम होते हैं ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर हम विविध कलर कर सकते हैं, अलग अलग कलर कर सकते हैं। कलर के अंदर वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर, अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। हम जो कलर्स यूज़ करते हैं वो वाटर कलर, उसके लिए हम लोगों को पोस्टर या ट्यूब कलर का यूज़ होता है। और कलर हो जाने के बाद हम चित्र को जो ड्राइंग होती है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो स्केच पेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट टू में देखेंगे।